स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे अपन, जिसमें से हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया था, उसके बेनिफिट्स डिस्कस किए थे। अभी देखो कुछ लिमिट्स होती है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लिमिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस या डिसमेरिट्स नहीं है, लिमिट्स की एक हद होती है कि उतने ही तक एक ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर देगी, ठीक है। तो वो कहाँ तक उसकी लिमिट्स हैं, तो हम उसकी लिमिट्स देख रहे हैं अभी। लिमिट्स टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट था इसमें फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक फर्म, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक लिमिट तक ही पैसे लगा सकती है। वो जितना भी उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगा दे, लेकिन उसमें बाद में उसका कोई यूज नहीं होता है, तो फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के, इंडस्ट्री के, कि वो उससे ज्यादा पैसे नहीं लगा सकती। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। अगर वो पैसे अनलिमिटेड लगाते जा रही है ना, तो दूसरे जो कॉस्ट है उनकी, फैक्टर्स जो फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती है। तो फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या है, लैंड, लेबर्स, कैपिटल लगा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी तो हाई होता जाता है। एक लिमिट तक ही जो अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन जैसे ही लिमिट वो क्रॉस हो जाती है, सपोज 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़, तो उसके इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वैसी कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें प्रॉफिट कम होते जाएगा, लेस प्रॉफिट। तो ये है उसके इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन है, जिस टाइप का काम है, क्या पता वो काम ऐसा है कि हम चाह के भी उसको नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही उसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिस्टिक क्वालिटी के होते हैं, जो कारपेट्स वगैरह बनाने का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, तो इनके ऑक्यूपेशन में लिमिट होती है, वो उनके पास 10 हाथ तो नहीं आ सकते। तो जो आर्टिस्टिक नेचर की ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म्स या इंडस्ट्री होती हैं, तो वो लोग अपनी मैन पावर है, एक दिन में 2 पेंटिंग करेगा, 3, ज्यादा से ज्यादा उससे कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो क्वालिटी नहीं दे पाएगा पेंटिंग्स में, है ना। तो नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। फिर मार्केटिंग प्रॉब्लम, तो ये लिमिट्स होती हैं कि एक हद तक ही एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम कर सकती है। तो मार्केटिंग प्रॉब्लम होता है, इंटेंस मार्केट होता है, वाइड, इतना वाइड होता है कि हम एक एक घर घर जाके नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर लिमिट्स टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की भी लिमिट है आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में। 9 to 5 जॉब में अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सारा दिन काम करे, तो नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो भी ह्यूमंस हैं काम करने वाले, उनको भी ब्रेक चाहिए, तो कोई भी 24 आवर्स काम नहीं कर सकता है। अगर आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपने बढ़ा दिया, इट मीन्स आपने मशीन्स वगैरह बढ़ा दिए, लेकिन उन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए तो ह्यूमन ब्रेन चाहिए, तो वो तो सारा दिन काम नहीं कर सकता, ही नीड्स रेस्ट, है ना। तो लिमिट से एक मैनेजमेंट की भी। नेक्स्ट देखो, फॉल इन प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज। अगर प्राइस इतना ज्यादा कम हो जाएगा तो आपके गुड की मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। फॉल इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, तो ये थे उसके लिमिट्स, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, अब देखो, प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। अब बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस मीन्स अब क्या क्या खराबियां हैं, क्या बेनिफिट्स नहीं है, डीमेरिट्स, है ना। जगह अब अगर हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, एक तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। ओवर प्रोडक्शन मीन्स जितने का नीड नहीं है उससे ज्यादा, तो गोडाउन स्टोरेज, है ना, मार्केट में मोनोपोली हो जाती है, कंज्यूमर्स को क्या करेगा, एक्सप्लॉइट कर देगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज
ऑब्वियस है ना, अगर आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे तो मोनोपोली हो जाएगी आपके पास, दूसरा इतने कम रेट में उसको प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहा है मार्केट में, और आप उसको सबसे कम प्राइस में उसको क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उससे एक इंसान की मार्केट में क्या हो जाएगी, मोनोपोली आ जाएगी, मतलब एकाधिकार बोलते हैं, एक का ही उसमें वो चलेगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है बताओ, क्लास क्या होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स मैम अपर कास्ट, लोअर कास्ट और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास होता है तो उसमें जो लेबर्स होते हैं ना, ट्रेड यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बनती नहीं है ऐसी सिचुएशंस में, तो फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स, लॉकडाउन्स होते रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। फिर देखो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है इससे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट मीन्स व्हाट, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है ना इनडायरेक्टली। नेक्स्ट देखो, ठीक है, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्या होता है, वेल्थ तो बहुत आ जाती है लेकिन सिर्फ एक पार्ट ऑफ सोसाइटी के पास, तो जो रिच क्लास होगा सिर्फ वही उसको खरीद पाएगा, जो मिडिल क्लास है वो उसको खरीद ही नहीं पाता है, तो रिजल्टिंग तो इनइक्वालिटी आ जाती है। फिर जो डिविजन ऑफ लेबर है उसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम चलता है प्लस इंडिविजिबिलिटी, अगर लास्ट क्लास याद होगी तो उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में क्या होगा, वही वही काम सारा दिन, सोचो अननेसेसरी किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा कर लेते हैं तो बोर्डम हो जाती है ना। नेक्स्ट क्या हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर उससे और पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस, लोगों की इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्या है लिमिट में काम दो उसके अकॉर्डिंग तो चलते रहता है लेकिन अगर आप अति कर देंगे किसी चीज़ की तो वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट देखो, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, जो गांव वगैरह में होती हैं, जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है ना, तो अगर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा किसी भी इंडस्ट्री में मशीन से, तो ऐसी इंडस्ट्रीज का क्या होगा जो अपने हाथ से उसको बना के बेचने का काम करती हैं, तो वो होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखो, नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअली चॉइस पे अब ध्यान नहीं दिया जाता है ओवरऑल, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस करती है, जब वो बल्क में करती है ना तो अपने अकॉर्डिंग, तो वो किसी एक चीज या एक पर्टिकुलर मार्केट पे ज्यादा ध्यान नहीं देके वो बल्क में करती है, और वो कहती है अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास दूसरे कस्टमर्स हैं उसको लेने के लिए, तो इंडिविजुअल टेस्ट क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाता है लार्ज स्केल में। फिर इंटरनेशनल फ्रिक्शन, इंटरनेशनल फ्रिक्शंस में क्या होता है, फॉरेन मार्केट्स को कम्पीट करने के लिए है ना, प्लस हम इतना सस्ते में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं कि अब हम सोचते हैं कि मार्केट क्या, हम अपने गुड्स को अब इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या करें, सेल करें, तो उसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, प्राइस बहुत कम रहते हैं, तो ऐसी जगह पे जब दो कंट्री की इकोनॉमी आ जाती है तो वहाँ पे इंटरनेशनल फ्रिक्शन, तो वहाँ पे वॉर जैसा सिचुएशन होता है, जैसे अपने इंडिया में होता है, चाइना के भी प्रोडक्ट्स आते हैं, अमेरिकन के भी प्रोडक्ट्स आते हैं, लोग ज़्यादा प्रेफर चाइनीज प्रोडक्ट्स को करते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है कंपैरेटिवली, अगर हम दूसरे कंट्रीज के गुड्स देखते हैं यहाँ पे, सपोज अगर आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ठीक है, तो अगर आप अच्छे ब्रांड्स में अगर आप ऑनलाइन शॉप करते हैं तो वो कॉस्टली हो जाता है, सेम उसी चीज़ को जब आप क्लब फैक्ट्री वगैरह से और अलीबाबा से शॉप करते थे तो उसका प्राइस बहुत कम होता था, तो इंटरनेशनल फ्रिक्शंस, तो ट्रेड वॉर हो जाता है ऐसी कंट्रीज के बीच में, और वैसे भी अभी चल भी रहा है ट्रेड वॉर, बीच में चल रहा था ना अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर, उसने इतना उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, उसने टैरिफ लगा दिए, तो इंटरनेशनल फ्रिक्शंस होता है जब अपन लार्ज स्केल प्रोडक्शन में करते हैं।